व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो देखते ही देखते नया महीना आप लोगों के सामने आ चुका है। 1 सितंबर है आज, पूरा अगस्त जा चुका है। तो कैसा रहा आप लोगों का ये पूरा अगस्त का महीना, उसको आप लोगों को अच्छे से एनालाइज करना है। और उसके बाद में आप लोगों को अब देखना है कि नेक्स्ट मंथ को आप लोगों को कैसे लेके चलना है, यानी कि क्या क्या कमियां और खामियां रही हैं, उस तरीके से आप लोगों को अपने आने वाले टाइम को देख कर चलना है। ठीक है, तो अपने अच्छे से इंजॉय कीजिए पूरे पूरे अपना जो भी आने वाला जो मंथ है, और ढंग से प्लान बनाकर उस चीज़ों को इंप्लीमेंट कर चलिए। और जो टेस्ट की बात आप लोगों के लिए की गई थी, वो टेस्ट जो है अब की बार थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलेगा। उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि डिफरेंट फॉर्म में कैसे देखने को मिलेगा, वो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के सामने हर तरीके, कुछ स्टेटिक क्वेश्चन रहेंगे, कुछ करंट और कुछ ओल्ड यूपीएससी क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप लोग किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, तो इस लेवल की तैयारी आप लोग की हो जाएगी डेली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कि एग्जाम में आप लोग काफी कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कई सारे ऑपरेशन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उन्हीं ऑपरेशंस के बारे में एक ऑपरेशन है यहाँ पर, और आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इसके साथ में एक दूसरे ऑपरेशन का नाम भी आप लोगों में यहाँ पर बता के चलूंगा। यहाँ पर बात की जा रही है ऑपरेशन मिलाप के बारे में। ऑपरेशन मिलाप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों से पूछा गया है। सबसे पहले बोला गया है ये एक तरीके का जो ऑपरेशन है जो कि यहाँ पर रेस्क्यू करता है जो ट्रैफिक और जो किडनैप बच्चे हैं उनको, और अरेस्ट करता है जो किडनैपर है उसको, पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरा बोला गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के यहाँ पर जो ऑपरेशन है। तीसरा बोला गया है जो बच्चे यहाँ से बचाए जाते हैं उनको फ्री एजुकेशन और कैश इंसेंटिव दिया जाता है। तो क्या स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया वन एंड टू, सी में बोला गया वन एंड थ्री, डी में बोला गया वन टू एंड थ्री। तो सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि ए बी सी एफ डी सही आंसर यहाँ पर क्या है। तो जो इसका सही आंसर है वो है यहाँ पर ए, यानी कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये है, देखिए ये ऑपरेशन एक तो है मिलाप और एक है ऑपरेशन इस्माइल, ठीक है ना। तो ऑपरेशन इस्माइल के साथ में आप लोगों को इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ऑपरेशन जो मिलाप है ये 2014 में स्टार्ट किया गया और ये दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन है। ऑपरेशन जो इस्माइल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, तो यहाँ पर ये गलत बोला गया है। ऑपरेशन इस्माइल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, और ये यहाँ पर मिलाप जो है ये है यहाँ पर दिल्ली पुलिस का। बेसिकली क्या रहता है, जो बच्चे किडनैप किए जाते हैं उनको बचाए जाते हैं, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके साथ में जो ऑपरेशन जो इस्माइल है उसमें बच्चों को यहाँ से छुड़ाकर वहां पे उनकी फैमिली वगैरह को सौंपा जाता है जहां से उनको किडनैप किया गया है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि फ्री एजुकेशन वगैरह दिया जाएगा या फिर इंसेंटिव दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और ये स्टेटमेंट सही है। ऑपरेशन मिलाप और ऑपरेशन किडनैप, दो ऑपरेशन ये मिलाप और ऑपरेशन इस्माइल, तो दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बात कर रहा है डेयरी प्रोडक्ट के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो खासकर जब से जो व्हाइट रिवॉल्यूशन चला काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में जो दूध की पैदावार है वो काफी बढ़ी, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है। नेशनल डेयरी प्लान यहाँ पर एक तरीके से ये वर्ल्ड असिस्टेड प्रोग्राम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, ताकि जो मिल्क कोऑपरेटिव्स है और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो यह है पहली स्टेटमेंट। दूसरे बोला गया इंडिया रैंक यहां पर फर्स्ट है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में। तीसरा बोला गया कि मोर देन 50% जो इंडियन मिल्क बिजनेस है वो हैंडल किया जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन एंड टू, बी में बोला गया वन एंड थ्री, सी में बोला गया टू एंड थ्री, डी में बोला गया वन टू एंड थ्री। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका ए, यानी कि सेकंड वो फर्स्ट और सेकंड सही है। सबसे पहला डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन यहाँ पर इसको सपोर्ट करता है, तो ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है ताकि यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया में जो भी लोग लगे हुए उनको फायदा हो सके और एक तरीके से ये जो एरिया है बढ़ सके। हमारी कंट्री की रैंक यहाँ पर फर्स्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि खासकर कुछ दिनों पहले तक हम लोग डिपेंडेंट हुआ करते थे, पर लेकिन जब से व्हाइट रिवॉल्यूशन हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया आज की डेट में हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट है काफी लार्ज स्केल पर, और ये 50% से ज्यादा है बोला जा रहा है यहाँ पर। मोर देन 50% ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? जैसे आप लोग बोल सकते हैं जिस तरीके से गांव में आप लोग किसान वगैरह ले लीजिए, ठीक है ना,
तो इस तरीके से आप लोग इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोल सकते हैं। जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि ये रेडी लगाने वाले या फिर गोलगप्पे लगाने वाले, ये सारे एरिया जो आते हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, जिसको कोई काउंट नहीं करता है प्रॉपर वे में कि उनकी कितनी अर्निंग हो रही है या फिर कहाँ कहाँ से उनको कोई मेडिकल क्लेम मिल रहा है या फिर जो छुट्टी होती है वहां पर उनके लिए छुट्टी मिल रही है। तो वो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉपर मेडिकल क्लेम मिलेगा, प्रॉपर छुट्टी मिलेगी, प्रॉपर सैलरी मिलेगी, इस टाइम पर आप लोगों को रिटायरमेंट दिया जाएगा, तो वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां पर खासकर करप्शन के बारे में बात की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनेक्ट किया गया है एक एक्ट रोकने के लिए करप्शन जो गवर्नमेंट एजेंसी और पब्लिक सेक्टर बिजनेस है उनके अंडर में, तो किस एक्ट को यहां पर अमेंड किया गया है? तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1968, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1978, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998, ठीक है, ये 8088 है। तो कौन सा आंसर यहां पर सही है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 8088। तो यहां पर इसको चेंज कर ये 2018 इसको किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहां पर ये जो है बिल था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल 2018, यहां पर जो भी करप्ट जो सिचुएशन है हमारी सोसाइटी में उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, चाहे पब्लिक सर्वेंट हो, इसी के साथ में चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो, इसी के साथ में कोर्ट में जजेस वगैरह हो, इस तरीके से जो भी कंडीशन है उनको सब चीजों को हैंडल करने के लिए यहां पर हमारी कंट्री में ये एक्ट निकल कर आया, ताकि वहां पर करप्शन देखने को न मिल सके। करप्शन का बेसिक मतलब क्या होता है? पैसे के लिए काम करना या फिर किसी सगे संबंध के फेवर में काम करना। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं, यानी कि अपनी एथिकल जो एक ड्यूटी होती है उससे हटकर, ठीक है, तो इससे हटकर किसी दूसरी सिचुएशन के लिए अपने फायदे के लिए काम करना, तो वो सारी होती है चीजें यहां पर। तो ये रोकने का काम करता है यहां पर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है, यानी कि भ्रष्टाचार निवारण। तो सी आंसर है यहां पर। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इमेज चेंज करने की कोशिश करता है कई तरीके एरिया में, जिस तरीके से महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, यानी कि महिला को किसान की तरीके से यहां पर देखा जा रहा है और उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, महिला एज ए किसान, ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है? बात की जा रही है एक तरीके से कैपेसिटी बिल्ड करते हैं यहां पर जो हमारी कंट्री में एग्रो इकोलॉजिकल सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, यानी कि उनको महिला एज ए किसान को यहां पर किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, ये फोकस यहां पर किया जाता है। प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाता है डे NRLM के द्वारा, ठीक है, पार्टनरशिप में स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबो। ए, बी, सी, एफ, डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। सबसे पहले तो बात आप लोग ये समझिए, यहां पर जो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है यहां पर ये सब कंपोनेंट है किसका? दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो यहां पर जो बोला गया ना ये, तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना और ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो इसके थ्रू यहां पर ये इंप्लीमेंट किया जाता है, इसका ये सब कंपोनेंट है। जिस तरीके से यहां पर एग्रो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि एक तरीके से ऐसी खेती जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी हो, तो वो खेती करने की कोशिश यहां पर की जाती है और उसको इसके थ्रू सपोर्ट भी किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, जो कि यहां पर आंसर क्या होगी, इस तरीके से आंसर होगी यहां पर सी। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, खासकर जो सपोर्ट किया जा रहा है वो उन महिला किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है फैमिली में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, यानी गरीब परिवार को सपोर्ट किया जा रहा है। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर नाम में भी आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर रूरल, यहाँ पर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि एक तरीके से ग्रामीण इलाके में आजीविका का काम करते हैं। इस तरीके से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि एक तरीके से कोई जॉब टाइप में चीज मिल जाती है, ताकि अपनी घर गृहस्थी को इंसान चला सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम कुछ चीज देखने को मिलती है, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर, ये है अस्त्रा रफेल कम्युनिकेशन, ARC जिसको आप लोग बोलते हैं, ARC की रिपोर्ट की बात नहीं की जा रही यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहां पर बोला गया है कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी होगी, मैन्युफैक्चर करेगी कटिंग एज सॉफ्टवेयर जो डिफाइंड रेडियो इन मल्टीपल वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा विच सिटी में, यानी कि हमारी कंट्री में यहां पर किस सिटी में यहां पर लॉन्च किया जाएगा इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है, और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए किसके साथ मिलकर यहां पर ये काम करने वाले हैं। तो ये जो है, ए में बोला गया लखनऊ, बी में बोला गया गांधीनगर, सी में बोला गया बेंगलुरु और डी में बोला गया हैदराबाद। ए, बी, सी, एफ, डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि हैदराबाद। तो यहां पर अस्त्रा रफेल कम्युनिकेशन जो है एक तरीके का ज्वाइंट वेंचर है यहां पर अस्त्रा माइक्रोवेव और इसी के साथ में रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के थ्रू, जो कि इसराइल से रिलेटेड है यहां पर, ठीक है। तो इंडिया और इसराइल यहां पर मिलकर काम करेंगे और ये एक ज्वाइंट वेंचर है।
51% इसमें हमारा रहेगा और 49% रहेगा इसराइल का, जो कि मिलकर सपोर्ट किया जाएगा हैदराबाद के अंदर, और हम लोग यहां पर डेवलपमेंट करेंगे ये सारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू। तो जो भी यहां पर हमारी कंट्री में डिफेंस प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, दो काम पर फोकस किया जाएगा, एक तो अपनी पूर्ति करनी है, दूसरा हमको इस लेवल पर लेकर जाना है अपने आप को, ताकि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें दूसरी कंट्री को भी बाहर। तो ये दो फोकस यहां पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। याद रखिएगा हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, तेलंगाना के अंदर में है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कैपिटल है, ठीक है। तो आंसर डी है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैंने आप लोगों को हिंदू की न्यूज़पेपर में भी आप लोग कवर कराया था, काफी डिटेल में इसके बारे में बताया था, तो वहां से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया है, यहां पर जो ये स्टेटमेंट है चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स के बारे में, यानी कि जो बच्चों को ढंग से रखा जाता है उसके बारे में बात की जा रही है, बाल कल्याण सूचकांक इसको बोल सकते हैं हिंदी में। एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर कि केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है इस इंडेक्स में। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि ये इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। सही आंसर यहां पर क्या है, ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि वन ओनली। ये जो यहां पर जो स्टेटमेंट है केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पौंडीचेरी के द्वारा टॉप किया गया है वेलबींग इंडेक्स में, और दूसरी स्टेटमेंट में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि सबसे नीचे से टॉप किसके द्वारा किया गया है, तो नीचे से टॉप जो किया गया यहां पर मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश, तो इनकी सबसे बुरी कंडीशन यहां पर रही है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो ये इंडेक्स तैयार किया गया है, ये इंडेक्स यहां पर तैयार किया गया है वर्ल्ड विजन इंडिया, यहां पर एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और रिसर्च इंस्टीट्यूट है IFMRLEAD, तो ये दोनों के द्वारा मिलकर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि हमारी कंट्री में बच्चों की सिचुएशन क्या है, बच्चों की कंडीशन क्या है। क्योंकि देखिए, अगर बचपन में ही बच्चों को अगर एक तरीके से अच्छी फैसिलिटी मिल जाए तो फिर आगे चल के काफी फायदा होता है, पर लेकिन बचपन में ही प्रॉब्लम रहे तो काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर इसका ए हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं एग्जाम में, और यूपीएससी का फेवरेट एरिया होता है ये। ओके, सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है, आप लोगों को स्टेटमेंट यहां पर कंसीडर करनी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि इंडिया होस्ट करने वाली है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14, जो यूनाइटेड नेशन कम्बैक्ट जो यहाँ पर कम्बैक्ट कन्वेंशन टू कम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि UNCDD, ठीक है, UNCCD। तो इसके बारे में आप लोगों को ये रखना है कि हमारी कंट्री इसको होस्ट करने जा रही है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि सेकेंड टाइम इंडिया इसको होस्ट कर रही है इस पर्टिकुलर मीटिंग को, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ यू डी, सही आंसर है यहां पर इसका ए, यानी कि हमारी कंट्री इसको होस्ट करने जा रही है। तो इसके बारे में आप लोगों को बता होना चाहिए, तो थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। UNCCD इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जो नॉर्मल जमीन है हम लोगों ने उसको मरुस्थल बना दिया है आज के डेट में अलग अलग रीजन की वजह से, हम लोग कैसे उसको फिर से एक अच्छी जमीन, उपजाऊ जमीन बना सकते हैं, उसके ऊपर फोकस देती है। तो 2 से लेकर 13 सितंबर तक हमारी कंट्री में ये मीटिंग चलने वाली है, कहां पर, दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में, यानी कि ग्रेटर नोएडा आप लोग बोल सकते हैं, वैसे दिल्ली एनसीआर आप लोग लिख सकते हैं। तो ये जो यहां पर जो ये होस्ट की जाएगी हमारी कंट्री में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यहां पर इसको होस्ट करने वाली है, और ये माना जा रहा है कि लगभग 5000 लोग यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लगभग 196 कंट्री से लोग यहां पर आने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना, ये जो है बेसिकली हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी यहां पर इसको अटेंड किया जाएगा, और इसी के चलते ये जो सेशन है यहां पर इसका, ये सेशन हमारी कंट्री फर्स्ट टाइम यहां पर होस्ट कर रही है, ये याद रखेगा, ठीक है। ये बोला गया ना सेकंड टाइम होस्ट कर रही है, तो फर्स्ट टाइम यहां पर होस्ट कर रही है, तो आंसर इसका ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं कम्युनिटी के बारे में जब न्यूज में रहती है, तो बोला गया कुर्द कम्युनिटी बांग्लादेश में न्यूज में, मधेसी कम्युनिटी नेपाल में न्यूज में रहती है, रोहिंग्या कम्युनिटी म्यांमार में न्यूज में रहती है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया वन एंड टू ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया टू एंड थ्री ओनली, डी में बोला गया ओनली थ्री, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, सही आंसर है यहाँ पर सी, टू एंड थ्री ओनली, यानी कि मधेसी कम्युनिटी नेपाल में रहती है, खासकर जब आप लोग नेपाल को देखेंगे तो नेपाल का जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पर मधेसी कम्युनिटी देखने को मिलती है। रोहिंग्या कम्युनिटी म्यांमार में ही है, जो कि लगभग बोला जैसे 6 से 7 लाख रोहिंग्या कम्युनिटी के जो लोग हैं आज के टाइम बांग्लादेश में है, हमारी कंट्री में भी 40,000 के करीब रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग माने जाते हैं। कुर्द कम्युनिटी जो है यहाँ पर, ये आप लोगों को ये देखने को मिलेगी तुर्की और सीरिया और ईरान इराक वाले बॉर्डर पर वहां को, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ये कुर्दिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम तो जो न्यूज में रहती है तुर्की और सीरिया की वजह से रहती है, तो इसके चलते आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो ये बांग्लादेश यहां पर स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में, तो उसका नेचुरल हैबिटेट कहां पर है, अगर आप लोग रीजन को घूमते हैं तो कहां पर वो देखने को मिलेगा। पहला बोला गया यहाँ पर सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन, दूसरा बोला गया यहाँ पर हायर हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, तीसरा बोला गया यहाँ पर सोल्ट मार्स ऑफ वेस्ट गुजरात, वेस्टर्न गुजरात, और डी बोला गया यहाँ पर वेस्टर्न घाट। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, ये बोला गया बेसिकली वेस्टर्न घाट जो है वेस्टर्न घाट में। और इसी के साथ में आप लोगों अपनी कंट्री में अगर बात करेंगे या आप लोगों नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगे कुछ एरिया में, खासकर नेपाल और भूटान वाले बॉर्डर के एरिया में भी, ठीक है, और वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। वैसे जो ढंग से बोला जा रहा है इजिली जो यहाँ पर देखने को मिलता है, ये बात की जा रही है कहाँ पर, वेस्टर्न घाट के बारे में। तो दो जगह काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, एक तो वेस्टर्न घाट में और एक नॉर्थ इंडिया में, खासकर उत्तरांचल टू साउथ नेपाल और भूटान और नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया देते तो फिर यहाँ पर आंसर कुछ और होता है, यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट बोल रखा है, तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर, इसका क्या रीजन है। पहले बोला गया यहाँ पर जो नीम कोटेड जो यूरिया है यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर ये नीम ऑयल सोयल डिक्रीज करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा बोला गया नीम कोटेड जो एरिया यहाँ पर ये यूरिया है ये स्लो डाउन होता है यहाँ पर, यानी कि स्लो से यहाँ पर रेट डिजोल्व होता है यूरिया का सोयल के अंदर। नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर विच इज जनरेट ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज एटमोस्फेयर बाय द क्रॉप्स, यहाँ पर जो क्रॉप फील्ड होता है उसमें। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर जो वीट साइड्स और फर्टिलाइजर्स का, ये पर्टिकुलर इसका ये अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, इसीलिए यहाँ पर इसको पर्टिकुलर नेम कोटेड किया जाता है। सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए बी सी एफ डी, सही आंसर है यहाँ पर इसका बेसिकली सी, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये है यहाँ पर बी है इसका आंसर, नीम कोटेड एरिया जो है ये स्लो डाउन रेट कर देता है यहाँ पर डिजोल्व होने का यूरिया का, ठीक है। तो इससे जो यूरिया होता है वो आराम आराम से यहाँ पर एक तरीके से क्रॉप में होता है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि जितने आराम आराम से चबा चबा कर आप लोग खाना खाएंगे वो उतना ही ज्यादा आप लोगों के पेट के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी बॉडी में भी उतना ही ज्यादा वो अच्छा लगेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर 30-40% जो प्रेजेंट जो यूटिलाइजेशन पावर होती है क्रॉप की वो यहाँ पर बढ़ जाती है जब यहाँ पर नीम कोटेड यूरिया होता है, एकदम वो डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर ये हमारी जो क्रॉप होती है उसको फायदा पहुंचाते हैं, और दूसरी बात उस यूरिया का दूसरी जगह भी नेगेटिव तरीके से यूज नहीं होता है तो वहां से भी ये बच जाता है। तो ये था टोटल क्वेश्चन, ओके। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन छोटा सा। इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।